This is your maths notebook. Take out your maths notebook, pencil and eraser. Okay. Maths. First you have to write CW and date here. Heading is use the correct sign. Smaller than, greater than, equal to. Okay. आपको समझा है ना, पहले क्लास में इंट्रोड्यूस भी कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, जो भी मुंह ओपन होता है उसको ग्रेटर देन, जिस तरह पॉइंट दिखा देता है वो लेस देन इक्वल टू. ओके चिल्ड्रन, अभी यहाँ नंबर्स दिया है, एग्जांपल दिया है, इसमें हम कौन से साइन यूज करना है यहाँ देखेंगे अभी. फॉर एग्जाम्पल 6, 3, इस दोनों से बिग नंबर कौन से हैं? यस 6. तभी हम कौन से साइन यूज करेंगे? जो भी बिग नंबर है उस तरफ मुंह ओपन दिखता है ना, खुल जाते हैं, उसका मुंह ओपन होता है. ये कौन से नंबर है, कौन से साइन है? 6. 6 इज ग्रेटर देन 3. इसका मीन्स क्या होता है? 3 नंबर से 6 नंबर बड़ा है. नेक्स्ट एग्जांपल 0, 4, इस दोनों से कौन से नंबर बड़ा है? 4 नंबर इज बिग. तो उसको साइन कैसा होगा? इस तरफ, जो भी बड़ा नंबर होता है उस तरफ उसका फेस ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए. तो ये क्या हो गया अभी? 0 इज लेस देन 4, 4 से 0 नंबर छोटा है. नेक्स्ट 8 और 8, बोथ नंबर्स आर इक्वल, तब कौन से साइन यूज करेंगे हम? इज इक्वल टू. ओके, टू पैरेलल लाइंस ऐसे लिखना है सेम. नेक्स्ट 11 और 17, ये दोनों से कौन से नंबर बड़ा है? 1, 7, 17. तो किस तरफ होगा उसका मुंह? जो बिग नंबर होगा उस तरफ उसका फेस ओपन होता है. तब ये क्या हुआ? 11 इज लेस देन 17. 2, 4, 24. 3, 6, 36. इस दोनों से बिग नंबर कौन से है? 3, 6, 36. इसका मुंह इस तरफ ओपन होता है. तभी 24 इज लेस देन 36. नेक्स्ट 31 और 18, ये दोनों नंबर में कौन से बड़ा है? 31. 3, 1, 31. तो इसका मुंह कौन सा किस तरफ होगा? इस तरफ ओपन होगा. 31 इज ग्रेटर देन 18. 18 से 31 नंबर बड़ा है. 27, 27. इसमें कौन सा साइन आएगा? इज इक्वल टू, मीन्स बोथ नंबर्स आर इक्वल. 6, 9, ये दोनों से कौन से नंबर बड़ा है? 9. इसका फेस किस तरफ ओपन होगा? 9 का तरफ ओपन होगा. 6 इज लेस देन 9. 1, 4, 14. 1, 2, 12. ये दोनों से कौन सा नंबर बड़ा है? 1, 4, 14. तो इसका फेस इस तरफ होगा. 14 इज ग्रेटर देन 12. ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू कंप्लीट इट. CW and HW also. Thank you.